बोले सोनेहाल सास भी अकाल। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पै हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी डिठा तिना लै छड़ाए। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जान आवन का है सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कामन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूरख कहन ना जाई। श्री हर कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठै सब दुख जाई। पतित पावन भगत वशल शब्द गुरु, जागत जोत बाणी के बोहित नाम के जहाज। गद्दी नाशीन चबर छत्र तख्त सिंघासन दे मालक, अंतरजामी गरीब निवाज। पोथी परमेश्वर का थान, हलत और पलत दे सहायक लोक परलोक दे सहायक सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर आप सब संगतां अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम अठवें गुरुदेव सतगुरु साहिब श्री गुरु हर कृष्ण साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन प्रकाश पुरब दे संबंध विच जो गुरमत समागम समूह संगतां वल्लों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मैनेजर साहिब गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब जी वालों सतगुरु जी की अपार कृपा के सदका जो अज इस पावन अस्थान ते समागम आयोजित किए गए ने समागमां विच हाजरियां भरदे होए अपने मन बिरती नूं इकागर करके सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे सन्मुख श्री गुरु हर कृष्ण साहिब जी महाराज जी दे पावन दर्शन दीदार करदियां होयां क्योंकि सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जदों हाले सतगुरां ने भाई गुरदास जी पासों गुरबाणी लिखवाई नहीं उदों कहिंदे ने सतगुर केर शरीर है जो सब स्थान सब नह दरसै है ग्रंथ हृदा गुर का एह मानो उत्तम है सब काल रहे हैं। कहते ने कि गुरु नानक देव जी महाराज जी का साझा होया ए निर्मल पंथ सिख पंथ संसार के कोने कोने विच जाके वस चुका है जिथे किते भी गुरु नानक नाम लेवा संगतां गुरु नू याद कर दियां गुरु शरीर करके हर थां ते हर वेले दर्शन नहीं दे सकते इसे री सतगुरां ने भाई गुरदास जी पासों पोथी साहिब के रूप विच गुरबाणी लिखवाई और दूसरा सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने साढ़े ते एक कृपा की कलयुगी जीवां दे उधार वास्ते सतगुरां ने कृपा की है। कहते एक दिन सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी दे अंदर बाबे पिरथी चंद दे पुत्र मेहरबान ने जो अपनियां कवितावां लिखियां सन एक पासे तो गुरु की बाणी है गुरु अमर दास जी महाराज कृपा करते ने कहते ने आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी मेहरबान दा पुत्र पिरथी चंद का पुत्र मेहरबान अपनियां कवितावां भी उचारदा एक पासे तो गुरु की बाणी है गुरु की बाणी का शब्द जदों समाप्त होंदा है तो उत्थे गुरु नानक साहब जी के नाम की मोहर लगती है जिहड़ी गुरु साहिबानां की उचारी हुई बाणी है जिहड़ी भगत साहिबानां ने बाणी उचारी है उत्थे भगत साहिबान जी के नाम की मोहर लगती है। बाबे पिरथी चंद का पुत्र मेहरबान वह भी कवितावां उचारदा इतिहास ते बोल ने कि मेहरबान पुत्र पिरथिए दा कवीशरी करे। हिंदवी फारसी संस्कृत नाले गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री गुरु नानक जी का पाई। संस्कृत का वो ज्ञानी है, गुरमुखी का ज्ञानी है, हिंदी का वो ज्ञानी है, फारसी का वो ज्ञानी है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह भाई गुरदास जी नूं कहंदे ने भाई गुरदास गुरु की बाणी जुदा करिए, मीणे पाउंदे ने रलेवा ना रला धरिए। क्योंकि एक दिन किसी कीर्तन करन वाले कीर्तनीय सिख ने मेहरबान दियां उचारियां होईयां कवितावां दे विचों कुछ लाइनां सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे कीर्तन करदियां पढ़ दित्तियां। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने साडे ते पार उपकार करदियां होयां भाई साहब भाई गुरदास जी पासों गुरबाणी इकत्र कीती हुई गुरबाणी पोथी साहब के रूप विच लिखवा के ते बाबा बुढ़ा साहब जी नूं सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी के पहले ग्रंथी नियुक्त करके ते श्री हरमंदर साहिब जी के अंदर पोथी साहब का प्रकाश करवाया है। मैं पहला बेनती ये कीती है कि श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज के दर्शन करदियां होया, क्योंकि भट्टां दा ये बचन है, भट्ट साहबान कहिंदे ने जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भैयो तत स्यों तत मिलायो, अंगद किरपा धार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमरत छत्र गुरु रामह दियो, गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण, मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जुन पिख हो नायण। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपनी पावन जोत बाबे लहणे दे विच टका के ते बाबे लहणे तो गुरु अंगद बना दिता है। इसे तरह गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने अपनी जोत गुरु अमरदास जी विच, उन्होंने गुरु रामदास जी दे विच, इसे तरह करदियां करदियां गुरमुखो दसवें गुरुदेव कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने नांदेड़ की धरती ते सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे लड़ लाया ते ये हुक्म कीता कि आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है। हुक्म कीता गुरु साहब ने, सानू कोई सलाह नहीं दिती, सानू कोई मशवरा नहीं दिता, सिखा नू गुरु दा ये हुक्म है कि गुरु मान्यो ग्रंथ। सिख ने अपना शीस केवल ते केवल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं झुकाउणा है। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे स्वरूप विचों बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी दे पावन दर्शन करदियां होया अपनी मन बिरती नूं एकागर करके अपना शीस सतगुरां दे पावन चरणां विच झुकाउंदियां होयां गुरु की बख्शी हुई फतेह। सारी संगत गज के बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जिन्हां ने सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान हो के संध्या दे वेले तों सतगुरां दी पावन बाणी सरवण कीती है। उपरंत सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे कीर्तनीए भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी बटाले वालिया ने आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन दे राही निहाल कीता है। भाई साहब जी शब्द सरवण करवा रहे सन। धन धन हमारे भाग, घर आया फिर मेरा, सोहे बंक द्वार सगला बन हरा। कहते अज मेरे धन भाग हो गए कि मेरा वो पति परमेश्वर मेरे हिरदे घर विच आके बह गया। धन धन हमारे भाग, घर आया फिर मेरा। ये जग्यासु जीव रूपी स्त्री बड़े ही वड्डे भागां वाली हो गई कि अज इस जीव रूपी स्त्री दा पति परमात्मा परमेश्वर उहदे हिरदे घर विच आके विराजमान होया। गुरु की बाणी दा ए बोल है। सतगुरु कहंदे ने, जे तू वत है अंगणे, हब धरत सुहावी होए, हिक सकंत है बाहरी, मैंडी बात न पुछे कोई। जग्यासु इस्तरी कहती है, ए सतगुरु, ए परिपूर्ण परमात्मा, ए मेरे मालक, जेकर तू मेरे हिरदे घर रूपी वेड़े विच अपने चरण पा दें, मेरे हिरदे रूपी घर विच जे तू प्रवेश कर जाए, तो मेरा यह हिरदे रूपी वेड़ा जेड़ा ना, ये सुहावना हो जाए। गुरमुखो, सतगुरु जी की पावन बाणी का बचन है। सतगुरु कहते ने, सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भै हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जणिया माए। धन धन गुरु, जिन नाम आराध्या आप तरिया, जिनी डिठा तिना लै छड़ाए। गुरु कलगीधर पातशाह जी लिख गए ने ना, आपां अरदास गुरु चरणा विच रोज करदे आ। श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठै सब दुख जाए। गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज जी दे जिन्हां ने दर्शन कीते ने गुरमुखो, उन्हां दे भी दुख उन्हां ने दूर कर दिते। और जिन्हां ने श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी नूं ध्याया है, क्योंकि इत्थे दो शब्द ने, एक ध्याउणा ते एक वेखना, दर्शन करना। श्री हरकृष्ण ध्याई है, जिस डिठै सब दुख जाए। ते गुरमुख, वो धरती किहड़ी है? वो धरती है श्री कीरतपुर साहब की धरती। वो पावन पवित्र धरती जिथे बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी का पावन प्रकाश जुलाई के महीने 1656 ईस्वी नूं सतवें गुरदेव साहिब श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज जी के घर माता कृष्ण कौर जी की पावन कुखों होया। संगतां दर्शन करन वास्ते आउंदियां, क्योंकि गुरु के घर सपुत्र ने जन्म लिया है। संगतां दर्शन करदियां ने, जो दर्शन करदियां ने उन्हां दे दर्शन करदियां ही दुख दूर सतगुरु करी जांदे ने। धरती है श्री कीरतपुर साहब दी, पिता है श्री गुरु हर राय साहब जी, माता ने माता कृष्ण कौर जी, ते वड्डे भ्राता ने बाबा राम राय जी। संगतां दर्शन करन वास्ते आउंदियां। एक दिन कहंदे ने, एक जग्यासू सिख ने आके गुरु हर राय साहब जी महाराज जी नूं बेनती कीती। कहण लगे, सतगुरु, तुहाडे दो सपुत्र ने, एक ने बाबा राम राय जी ते एक ने गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज। उदों गुरु नहीं बने, पर सन्मान वजों आपां गुरु शब्द वरतदे हां। तुसीं इन्हां दोनां सपुत्रां विचों गुरु नानक दी गद्दी ते किहनूं बिठाओगे? जिम्मेवारी किहनूं दे के जाओगे? ते कहंदे, सतगुरां ने एक सूई पकड़ा दित्ती। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी होरां ने लिखिआ है। कहते उस जग्यासू नूं एक सूई पकड़ा दित्ती। कहण लगे, आ सूई लै जा, साढ़े दोनों सपुत्र गुरु की बाणी पढ़ते ने, पोथियां प्रकाश कीतियां ने पीढ़े साहब के उत्ते। और इतिहास कहता है कि गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज सच्चे पातशाह तकरीबन 3 पौने 3 साल की उम्र विच गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का पाठ करन लग पे सन। कहते सुई पकड़ा दिती, कहन लगे साढ़े दोनों सपुत्र पोथियां प्रकाश करके पीढ़े साहब के उत्ते गुरु की बाणी पढ़ते ने, आ सुई लै जा। सिख जग्यासु कहन लगा सच्चे पातशाह मैं तो बेनती होर कीती सी, तुसा मेरे हाथ विच सुई फड़ा दिती है। महाराज कहन लगे तेरे सवाल का जवाब ये सुई देवेगी। कहता मैं सुई नूं महाराज की करा। कहते जिथे साढ़े दोनों सपुत्र बैठे हुए पोथियां प्रकाश करके गुरु की बाणी पढ़ते ने ना, उन्हां पीड़े साहब दे पावे दी लकड़ दे अंदर तू सूई तसाउण दा यतन करी। जिस सपुत्र दे पाठ करदियां होया पीड़े साहब दी लकड़ दे अंदर ये सूई आसानी नाल चली जाएगी ना, ਉਹੀ गुरु नानक की अगली जो जोत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आके टिकेगी। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ बाबा राम राय जी ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। बड़ा ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੂਈ ਧਸਾਉਣ ਦਾ, पर ਸੂਈ ਪੀੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਸੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ गुरु ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ जी महाराज गुरु की ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। इतिहास कहता हालां पीड़े साहब के पावे दे नाल सूई उन्होंने लाई है तो सूई इस तरह अंदर चलेगी जिवें मोम दे अंदर सूई चले जाती है। कहंदी उह सिख सारा जवाब लैके वापस गुरु हर राय साहब जी दे कोल आके बेनती करन लगा। कहन लगा सतगुरु जी जिथे तुहाडे छोटे सपुत्र बैठे हुए पोथी साहब प्रकाश करके पीढ़े साहब के उपर बाणी पढ़ते ने, जदों मैं उन्हां दे पीढ़े दे पावे दे अंदर सूई नूं तसाया तो सूई इस तरह अंदर चलेगी जिवें मोम दे अंदर सूई चले जाती है। तो गुरु हर राय साहब जी महाराज सच्चे पातशाह उस सिख नूं कहन लगे फिर गुरु नानक दी गद्दी दा मालक वो बनेगा ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੱਕੜ ਵਰਗੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਮ ਵਾਂਗੂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 भूतक शरीर नूं त्याग के शरीर करके इस संसार तो चले गए ते अपनी जोत गुरु हरकृष्ण साहब जी दे अंदर टिका गए। बड़ा दुखी होया बाबा राम राय। 5 साल की उम्र उदों गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी की हो चुकी है, क्योंकि राम राय दिल्ली जा चुका है। दिल्ली के बादशाह ने गुरु साहब नूं एक सुनेहा भेजा कि दिल्ली आओ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ सवाल जवाब करने ने। सतगुरां ने अपना जाना योग ना समझदियां होया अपने वड्डे पुत्र बाबा राम राय नूं दिल्ली भेजिया कि बादशाह ने दिल्ली बुलाया, तुसीं दिल्ली जाओ, जो भी बादशाह प्रश्न करेगा ਉਹਦੇ सवालों का उत्तर देना। गुरु नानक दा ਤੁਹਾਡੀ रसना ते वासा होवेगा, पर याद रखना करामात ना दिखाउणी ते राम राय ऐसा कोई भी कर्म ना करना जिस करके गुरु नानक साहब जी की गद्दी की तोहीन होवे, गुरु नानक की बाणी की तोहीन होवे। लेकिन गुरमुखो इतिहास बहुत लंबेरा, आप सारे जानते हैं कि बादशाह ने राम राय जी उत्ते बहुत सारे प्रश्न किए, वो जवाब देंदे रहे। अखीर बादशाह ने पूछा कि राम राय जी जेड़ी गुरु की बाणी तुसी पढ़दे हो उस बाणी विच एक पंक्ति आउंदी है, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई कुम्हार। ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ है? मुसलमान की मिट्टी क्यों लिखिया है? तो राम राय जी ਉਹਦਾ प्रभाव कबूल गए, सोचण लगे। बादशाह खुश होया है। करामातां भी इनू दिखाइयां, जे किते मुसलमान की मिट्टी बलदी हुई विखाती किते बादशाह नाराज ना हो जाए। उहदा प्रभाव कबूल के राम राय ने भरी सभा दे विच ये शब्द कह दिते, नहीं बादशाह ये किसी लिखारी ने गलती नाल लिख दिता है, असल विच ये शब्द सी मिट्टी बेईमान की, मुसलमान की नहीं। बड़ा इतराज किया दिल्ली निवासी संगतां ने, सतगुरां नूं बेनती भी भेजी, सतगुरु जी तुहाडे सपुत्र राम राय ने गुरु की बाणी की मौखिक तौर पर तौहीन की है। मौखिक तौर पर तौहीन करना मतलब है केवल मुखों बोल के कीती है, लिख के नहीं। गुरमुखों गुरु की बाणी के उत्ते किसी प्रकार की तौहीन गुरु का सिख बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतिहास आपां पढ़ते हैं, गुरु अमरदास जी महाराज श्री गोइंदवाल साहब की धरती के उत्ते तखत ते सुभाईमान ने संगतां बैठियां दरबार सज्जिया। गुरु अंगद देव जी महाराज जी के सपुत्र बाबा दातू जी ने आके गुरु अमरदास जी महाराज दे तखत ते बैठियां ते लत मार के तखत तो हेठां सुट दिता है। ते गुरु अमरदास जी महाराज ने उठ के बाबे दातू जी दे चरण फड़ ले, कहण लगे, ऐ मेरे गुरु के पुत्र, मेरा शरीर बुढ़ा लकड़ वर्गियां सुकियां मेरियां हड्डियां ने, तुहाडे चरण कोमल ने मेरे शरीर नूं तुहाडा चरण वज्जा, किते तुहाडे चरणां नूं कोई तकलीफ तां नहीं होई। संगतां कहण लगियां, महाराज इहने तुहानूं लत मारी है, तुसीं इहदे चरण फड़ी बैठे हो, की करदे हो? ते गुरु अमरदास जी महाराज कहण लगे, नहीं इन्हां ने बिल्कुल ठीक कीता है, मेरे लत वजनी चाहिदी सी, क्योंकि गुरु का पुत्र आया ते मैं गुरु के पुत्र दा उठ के सन्मान नहीं कर सकिया। ते नाल ये शब्द कहे सन, मेरे गुरु के सपुत्र मेरे वास्ते की हुक्म है? ते बाबा दातू जी कहन लगे, तुसीं गोइंदवाल साहब छड्ड के चले जाओ। ते गुरु अमरदास जी महाराज कहन लगे, मेरे गुरु के सपुत्र सवेर चढ़दे मैं गोइंदवाल साहब छड्ड के चला जावांगा। एक पासे गुरु का सपुत्र गुरु साहब नूं तखत ते बैठिया होया संगत दे विच लत मारदा ते गुरु उहदे चरण फड़दा, ते गुरमुखो एक पासे गुरु का सपुत्र गुरु की बाणी बदलदा, मुसलमान शब्द नूं कहिंदा, नहीं बादशाह एक किसी लिखारी ने गलती नाल लिख दिता है, असल विच ये शब्द है मिट्टी बेईमान की। मौखिक तौर पर बदली किया गुरबाणी का शब्द। गुरु साहब नूं पता लगा तो गुरु साहब ने पत्रिका लिख के भेजी, राम राय जिधर नूं तेरा मूँह है उधरे चलिया जा, साडे सारी उम्र मत्थे ना लगी। तो गुरमुखो ये इतिहास है कि राम राय अपनी सारी उम्र गुरु हर राय साहब जी के मत्थे कदे नहीं लगा, जिधर नूं मूँह सी उधरे चलिया गया। ते बादशाह औरंगजेब ने देहरादून दे विच उन्होंने एक बहुत वड्डी जगीर दिती, उत्थे उहदा डेरा अज भी चलदा है, कई लोग उहदे मुरीद ने उत्थे जांदे ने। गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरता गद्दी ते सुभाईमान हो गए, पर जिहड़े तर्कवादी सन ना उहनां दे हिरदियां नूं सट वजी। कहण लगे, एक 5 साल की उम्र का बच्चा ते गुरु नानक की गद्दी ते बैठ गया, मन नहीं मानता, विरोधी अपनियां चालां चलण लग पए। इतिहास कहता कि गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज एक थां तो दूजी थां ते पालकी विच बह के जाया करते सन। एक दिन विरोधियां ने एक चाल चली, एक ब्राह्मण जिहदे शरीर सारे ते कोड़ होया है, जख्मां दे विचों गंदा लहू सिमदा पाक वगदी है, उन्होंने सिखा के कहते हैं कि जदों अज गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी की सवारी जाएगी ना पालकी, तो पालकी साहब के अगे लेट जाई, तेनों उन्होंने पूछना कि तेनों की वेदना है, तेनों की तकलीफ है, तेनों की साढ़े कोलों चाहिदा है, ते तू अगों ये शब्द आखी, सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज सच्चे पातशाह तुसीं दुखियां दे दुख दूर करदे हो, दुख हरन वाले हो, मेरे ते कृपा करो, मेरे शरीर नूं कोड़ होया है, मेरे जख्मां दे विच्चों गंदा लहू सिमदा है, पीक वगदी है, मेरे ते कृपा करो मेरा ये शरीर निरोग हो जाए। तो विरोधी समझण लगे जदों ये कहेगा कि मेरा शरीर निरोग हो जाए तो गुरु हरकृष्ण साहब जी के कोलों इहदा शरीर निरोग नहीं किया जाना, तो गुरु की हासी उड़ावांगे कि 5 साल का बच्चा गुरु किवें हो सकता है। शंकावादी इवें होया जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज पालकी साहब सवार होके श्री कीरतपुर साहब की धरती ते लंघ रहे सन ते वह ब्राह्मण जिवें उन्हों तर्कवादियां ने विरोधियां ने सिखाया सी आ के सामने लेट गया। सामने लेटिया सतगुरां ने पालकी दा पल्ला परे करके उन्होंने पूछया, हाँ ब्राह्मण तेरी की वेदना है, तेनों साडे कोलों की चाहिदा, तू लेटिया क्यों है? ते वह ब्राह्मण जिहड़ा बीमार सी कोढ़ दा ग्रसिया होया कहण लगा, सतगुरू मेरे शरीर दे विच्चों पीक वगदी है, जख्मां दे विच्चों लहू सिमदा है, मेरे ते कृपा करो मेरा शरीर निरोग हो जाए। ते इतिहास कहिंदा कि सतगुरां ने अपनी जेब दे विच्चों एक रुमाल कढिया, अपने वरतन वाला रुमाल उस बीमार ब्राह्मण नूं दे के कहिंदे ने, आ लै रुमाल, जिथे जिथे अपने शरीर दे उत्ते ये रुमाल फेरेगा तेरे शरीर दा कोड़ रोग उस वेले हट जाएगा। गुरमुखो ब्राह्मण ने इवें कीता, गुरु साहब कोलों रुमाल लैके अपने मुख ते फेरिया, अपने बाकी शरीर ते फेरिया ते उहदी देह इतिहास कहिंदा कि बिल्कुल निरोग कंचन वर्गी हो गई। विरोधियों के मूँह बंद हो गए। उधर राम राय चालां चलदा है कि गद्दी ते बैठना सी मैं, पर मेरे पिता जी ने गद्दी मेरे छोटे भरा नूं दे दित्ती है। औरंगजेब दे नाल उहने सलाह मशवरा कीता, कहण लगा बादशाह मेरे भरा दे विच मेरे तो भी वध करामातां ने, तू मेरे भरा नूं दिल्ली बुला, इत्थे बुला के दरबार विच उहदे कोलों करामातां वेख। असल विच वो चालां चलदा सी कि मेरे भरा कोलों करामातां विखाइयां नहीं जाणियां ते मैं अपने भरा दी हासी उड़ावांगा, मजाक उड़ावांगा, ते जेकर मेरा भरा दिल्ली आ गया तो मैं तां वी ये प्रचार करांगा कि गुरु हर राय साहब जी महाराज ये शब्द कह के गए सन कि नाहे मलेश को दर्शन दे हैं, नह मलेश का दर्शन ले हैं, ना मलेश के दर्शन करने ने औरंगजेब दे ते ना ही औरंगजेब मलेश नूं अपने दर्शन देने ने। राजे जय सिंह नाल सलाह मशवरा करके औरंगजेब ने अपना एक एलची भेजिया, मंत्री भेजिया गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी दे कोल कि दिल्ली दीआं संगतां सतगुरु दर्शन नूं लोचदियां ने, दिल्ली आओ। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज माता कृष्ण कौर जी नूं कहण लगे, माता जी जेकर बादशाह सुनेहा भेजदा तो मैं ना जांदा, संगतां दा सुनेहा मिलिया कि दिल्ली दीआं संगतां दर्शनां नूं लोचदियां ने, सानूं दर्शन देण वास्ते दिल्ली जाना पवेगा। सतगुरु जी तैयार होए ने, कीरतपुर साहब तो चले ने, बहुत सारियां संगतां गुरु साहब दे नाल चलियां, वख-वख पड़ावां तो हुंदे होए सतगुरु इस पावन अस्थान ते पहुँचे ने जिथे अज आप जी संगत रूप विच गुरु की हजूरी विच बैठे हो। पिंड है पंजोखरा साहब, जिसका पहला नाम सी पंजोखरा। आज ऐसी गुरु के चरण पैण करके पंजोखरा साहब करके संबोधन करते हैं। इत्थे सतगुरु पहुँचे ने, सुनेहा मिलिया कि संगतां दूर दुराडे तो दर्शन करन वास्ते कीरतपुर साहब पहुँचियां, तुहाडा तुरना वेख के तुहाडे पिछे इत्थे आ रहीआं ने, सतगुरु दर्शन दे के जायो। इत्थे कुछ दिन सतगुरु ठहरे ने और आप जी इतिहास जाणदे हो कि इत्थे दे रहण वाला एक लाल चंद नाम का जात अभिमानी विद्या का हंकारी पंडित एक सिख नूं पुछदा, कहण लगा कि इह कौण ने? ते वो सिख कहिंदा, ये श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने, सिखां दे 8वें गुरु। तो वह हंकारी पंडित कहिंदा है कृष्ण तो एक ही होया जिन्होंने वैसे श्री कृष्ण कहने आ, इहने तो अपने नाम दे नाल श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी इन्ना लंबा नाम, जेकर तुहाडा गुरु वाकई गुरु है गुरु नानक की गद्दी ते बैठा तो उन्होंने आखो मैं गीता के श्लोक पढ़ांगा तो गीता के श्लोकों के अर्थ करके दिखाए। वो जिहड़ा सिख सी ना इतिहास कहंदा उन्होंने कहन लगा पंडित जी तुसीं इत्थे ठहरो तो मैं गुरु साहब नूं मिल के हुणे ही आया। मन विच वैराग करदा होया वह गुरसिख गुरु के चरणा ते आके मत्था टेकदा। सतगुरु पुछदे ने सिखा तेरी की वेदना है? कहण लगा सतगुरु एक जात का अभिमानी पंडित विद्या का हंकारी वो कहंदा कि कृष्ण तो एक ही होया, तुहाडे गुरु ने अपने नाम के नाल लगवाया श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी, तो जेकर वाकई वो गुरु नानक की जोत के मालिक ने तो मैं गीता के श्लोक पढ़ांगा तो तुहाडा गुरु उहदे अर्थ करके सुनाए। वो सिख नूं सतगुरु कहंदे ने सिखा तैनूं गुरु नानक दे घर ते यकीन है, तेरी शरधा है ना? तो सिख कहण लगा हाँ महाराज मेरी पूरी शरधा है। सतगुरु कहण लगे जा फिर जाके उस पंडित नूं कह कि गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज तेरे पढ़े हुए श्लोकां दे अर्थ करनगे। ਉਹ पंडित गुरु साहब के कोल आया, आके गुरु साहब ਨੂੰ ਮੱਥਾ नहीं ਟੇਕਿਆ क्योंकि जात अभिमानी है, विद्या का हंकारी है, वेदां का ज्ञाता शास्त्र पढ़े हुए ने। गुरु साहब कहन लगे हाँ पंडित जी तुसीं श्लोक पढ़ोगे असीं ਉਹਦੇ अर्थ करांगे, पर ਤੁਹਾਡੇ मन का शंका फेर भी नहीं जाना, तुसीं ये सोचना है कि गुरु पुत्र ने हो सकता छोटी उम्र ਵਿੱਚ गीता के अर्थ पढ़ा ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਓ ਤੇ ਅਰਥ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਬ ਕੀਤਾ, अंदुले त्रे भवन सूझया गुर भेट पुनीता, महिमा साधु संग की सुन हो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भै चीता। सतगुरु ते कहंदे ने सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लेहो ओड़ निभावै, कहाँ बुझारत बूझे डोरा, निस कहिए तो समझै भोरा, कहाँ बिशन पद गावै गोंग, जतन करै तो भी सुर भंग, कहे पिंगल परबत पर भवन नहीं होत ऊहा उस गवन। अगे सतगुरु कहते हैं करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै। छज्जू झीवर नूं जबरदस्ती धक्के नाल बांह तों फड़ के ਉਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਅਰਥ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਾਂਗਾ। इतिहास कहता कि सतगुरु कह लगे गुरसिखा कि इहदा इशनान करवाओ, इनू साफ वस्त्र पहनाओ, क्योंकि अज इन्हें कथा करनी है। वो लाल चंद नाम का पंडित अपने मन में हसदा कहता ये गूंगा बोला जिन्हों ना सुनता ना जिहड़ा बोल सकता ना इहदी कोई बुद्धि काम करती है, तो कहते ने एक कथा करेगा। कहते गुरसिखा ने इशनान करवाया, उन्होंने वस्त्र नवे धारण करवाए ते गुरु के सन्मुख सामने लिया के बिठा दिता। तो गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज जी ने अपनी मेहर वाली छड़ी उहदे सिर ते रखी है ते पंडित नूं संबोधन करके सतगुरु कहंदे ने लाल चंद पढ़ श्लोक। लाल चंद श्लोक पढ़दा है ते वो छज्जू झीवर गुरु की कृपा नाल गीता दे श्लोकां दे अर्थ करी जांदा है। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखदे ने कि 20 श्लोक लाल चंद पंडित ने पढ़े ते पढ़न तो पहला ही वह छज्जू झीवर नाम का जिहड़ा व्यक्ति सी वह गुरु की कृपा नाल उस श्लोकां दे उत्तर देई जांदा है, अर्थ करी जांदा है। लाल चंद ने गुरु साहब दे चरण फड़ लए, कहण लगे सतगुरु मैं भुल गया। प्रिंसीपल साहब लिखदे ने कि अपना जनेऊ विला के गुरु के चरणों ते रख के कहता सतगुरु कृपा करो मैनू सिख बना लो, मैनू चरनी ला लो। तो सतगुरां ने उस वेले कहते जालम गवा के अपने चरण धो के चरण पाहुल दे के उस लाल चंद नामी पंडित नूं सिखी धारण करवाई। तो ये शब्द कह सन कि मन विच कदे भी विद्या दा हंकार ना करी, जे पंडित है तो पंडित बन के कौम की सेवा कर, सिमरन कर। इथों फिर सतगुरु गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज संगत नूं संबोधन करदे एक तां कहंदे ने कोई मोड़ी भी गड्डी है जां इत्थे लीक मारी है कि जिहड़ियां संगतां गुरु साहब दे नाल आ रही ने वह सारियां संगतां वापस चलियां जाण, साडे नाल दिल्ली कोई ना जावे। सतगुरु जी इथों दिल्ली नूं रवाना हो गए। दिल्ली सतगुरु साहब जी पहुंचे ने। राजा जय सिंह ते औरंगजेब इतिहासकार ते ये भी लिखते हैं कि दोनों ने आपस विच एक नीति बनाई है। औरंगजेब कहिंदा है राजे जय सिंह नूं कि तुसीं उन्हां नूं बुला लवो, दर्शन करन दा प्रबंध मैं आपे कर लांगा। पर उन्होंने नहीं पता कि गुरु साहब कह गए ने कि नह मलेश को दर्शन दे हैं, नह मलेश का दर्शन ले हैं। राजे जय सिंह ने बेनती कीती है सतगुरु जी मेरे बंगले विच चलो। राणी ने फिर शंका कीता कि यह 5-7 साल का बच्चा ये गुरु नहीं हो सकता, गोलियां वाले कपड़े पा के बह गई। प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते ने आ भी नहीं कहते राणी, आ भी नहीं राणी, गोलियां दे सिर ते नाले हाथ रखी जाते हैं, छड़ी रखी जाते हैं, कहते हैं आ भी गोली, आ भी गोली, आ भी गोली। जदों राणी दे कोल गए तो राणी दे सिर ते छड़ी रख के कहते ने पटराणी है, गोलियां वाले कपड़े क्यों पाए, क्यों कपट कर दी है, तेरे मन में कपट क्यों आया, गुरु ते शंका क्यों कर दी है। तो प्रिंसीपल साहब लिखते ने कि दोनों ने राजे ने तो राणी ने गुरु के चरण फड़ ले, सतगुरु जी सानू बख्श लवो। औरंगजेब दर्शन करन वास्ते आया लेकिन दर्शन गुरु साहब ने नहीं दिते। अगों ये शब्द कहे सन कि लख लश्कर लख वाजे नेजे, लख उठ करह सलाम, लखां उपर फरमाइश तेरी, लख उठ रखह मान, जां पत लेखै ना पवै, तां सब निराफल काम। दर्शन औरंगजेब नूं नहीं दिते। वड्डा भरा राम राय कहिंदा कि इह सीतला दा खाज बनेगा। सीतला दी बीमारी दिल्ली दे अंदर फैल गई। इतिहास कहिंदा है कि 14 का संस्कार करके आउण ते 8-10 आउंदियां नूं होर मरे होण। गुरु साहब ने उत्थे चौबच्चा बनाया जिहड़ा अज भी वो चौबच्चा गुरुद्वारा बंगला साहब आप दर्शन करदे हो, चूड़ा उत्थों लैके छकदे हो। गुरु साहब आप भी उस रोग नाल ग्रसे गए। सिखां ने बेनती कीती, कहण लगे सतगुरु जी तुहानूं तुहाडे वड्डे भरा ने श्राप दिता है, तुसीं इह श्राप वापस नहीं कर सकदे। तो गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज कहन लगे वारस राप दी सिक्खी विच कोई थां नहीं, ऐसी अपने भरा दे कहे हुए बचन ते वापस कर सकते हैं पर अपने पिता दे कहे हुए बचन वापस नहीं कर सकते। सिक्खी दे महाराज जो किवें? कहन लगे साडे पिता ने राम राय नूं इह शब्द कहे सन कि राम राय तूं दिल्ली चलिया, बादशाह प्रश्न करेगा उहदे प्रश्नां दे उत्तर देई जावी, सही सही उत्तर देवी, तेरी रसना दे उत्ते गुरु नानक दा वासा होवेगा। कहंदे मैं अपने भरा दे बचन ते वापस कर सकदा वां पर अपने पिता दे कहे हुए बचन वापस नहीं कर सकदा। सिखां ने फिर बेनती कीती, कहण लगे सतगुरु लोक शंका करनगे कि भरा ने इह शब्द कहे सन कि इह सीतला दा खाज है, तुसीं भी कोई बचन करो जिहड़ी सिख संगत भरोसा कर लै। कहण लगे ये साडा भरा निरसंतान संसार तो जावेगा ते जिउंदा सड़ेगा। अज भी कहिंदे ने कि उहदा देहरादून वाला जिहड़ा डेरा है जिथे उहदी समाध बणी है, उहदे आसे पासे 4 समाधां उहदियां 4 पत्नियां दियां बणीਆਂ ने, लेकिन 4 ਵਿਆਹ करवाउण तों बाद भी बाबे राम राय दे घर किसी औलाद ने जन्म नहीं लिया। और आप सारे इस इतिहास नूं जानदे हां कि राम राय जिउंदा सड़िया। गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज 8 पौने 8 साल की उम्र भोग के जिथे अजकल गुरुद्वारा श्री बंगला साहब है दिल्ली के अंदर, उत्थे बचन करके कि बाबा बसे ग्राम बकाले बान गुर संगत सकल संभाले, ये शब्द कह के ते साहब श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज शरीर करके इस संसार नूं छड्ड के ते सचखंड प्याना कर गए। उस अष्टम बलबीरा सतगुरु बाला प्रीतम साहब श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज जी का प्रकाश पुरब, जिन्हां दे बारे जो मैं पहला बेनती कीती है कि कलगीधर पातशाह ये शब्द कह गए ने कि श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज जी जिन्हां ने दर्शन कीते, दर्शन करके उन्होंने अपने हिरदे दे और शरीर के दुख निवृत्त कर लै, और जिहड़ा भी गुरमुखो गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज जी नूं ध्याएगा उहदे भी सतगुरु मन दे दुख और तन दे दुख दूर करनगे। समूह संगत नूं सतगुरु साहब श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज जी दे पावन प्रकाश पुरब दियां बहुत बहुत मुबारकां ने। सतगुरु चरनां विच अरदास करिए कि जिवें सतगुरां ने श्री कीरतपुर साहब की धरती के उत्ते प्रकाश अपना करके धरती नूं भाग लाए, उस तरह गुरु चरनां विच बेनती करिए कि सतगुरु साडे हिरदे रूपी घर विच अपने मुबारक चरण पा, ते साडा हिरदे रूपी जिहड़ा विहड़ा है घर है वो सुहावना हो जाए। सतगुरु कहिंदे ने जे तूं वत है अंगणे हब धरत सुहावी होए, हिक सकंत है बाहरी मैंडी बात ना पुछे कोई। कहिंदे सतगुरु तू मेरे घर विच आवें ते मैं तेनों बिठावां किवें, तेरे वास्ते किहड़ा विछौना तैयार करां। ते सतगुरु कहिंदे ने मूंह थियाऊ सेज नैणा पिरी विछावना, जे देखें एक वार तां सुख की माहू बाहर। कहिंदे मेरे कोल सब तो नरम विछौना मेरियां अखां दियां पुतलियां ने। आपां अक्सर कह दिंदे आ ना किसी मित्र प्यारे ने आउणा होवे कि मैं तेनों अपन अखां ते बिठावां जां मैं तेनों अपन अखां विछा के उडीकां। असल विच सब तो नरम साडे शरीर का जिहड़ा हिस्सा है वो अखां दियां पुतलियां ने। इसे लिए सतगुरु कहिंदे ने मूंह थियाऊ सेज नैणा पिरी विछावना, जे देखें एक वार तां सुख की माहू बाहरे। तू मेरे हिरदे घर विच आ ते मैं सतगुरु तैनूं सब तो नरम विछावणे ते बिठावां। जे तू आके बैठे तो फिर मेरे नाल गल्लां भी कर, जे तू मेरे नाल गल्लां करेगा तो मेरे कोल जिहड़ा मेरा सीस है, जिहड़ा मेरा सिर है, जिहड़ी मेरी मत है, वो सतगुरु मैं तेरे चरनां विच भेंट करदिआं। तू चौ सज्जण बैंडिया डेई सिस उतार, नैण महिंजे तरस दे कद पसींदी दार। गुरु चरनां विच ये अरदास करके जाइए कि सतगुरु कृपा करके साडे हिरदे रूपी घर विच प्रवेश करके साडे हिरदे रूपी घर नूं भी सुहावना कर देण। धन ने सतगुरु श्री गुरु हर राय साहब जी महाराज, और धन ने माता कृष्ण कौर जी, और धन है गुरु रामदास साहब जी महाराज जी दी कुल जिस दे अंदर अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम सतगुरु श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज का प्रकाश होया। और धन ने गुरमुख प्यारे वो जंत जिन्हों ने गुरु के दर्शन किए ने। गुरमुखो गुरु की जोत अज भी उमें वरतदी है, जिवें मैं पहला बेनती की है कि जोत ओहा जुगत साए सह काया फिर पलटीए। ओह जोत जो दसम पातशाह तक वरती है, तो दसम पातशाह ने अपनी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे विच टका के सानूं इह हुकम कीता कि आग्या भई अकाल के तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अज भी गुरमुखो सतगुरु कृपा करते हैं। पिछले दिन ही आप जी सारिया ने एक वायरल होया मैसेज वेख्या कि इस पावन स्थान ते एक बच्ची, जो बच्ची ना सुन सकती सी ते ना बोल सकती सी, इत्थे दर्शन दीदारे कीते, अरदास बेनती कीती, इशनान कीते। उस बच्ची दी आवाज़ भी वापस आ गई ते उस बच्ची दी स्रोत भी वापस आ गई। गुरमुखो गुरु अज भी कृपा करदा है लेकिन साढ़े अंदर जी साढ़े हिरदे के अंदर गुरु के दर्शनों की भावना होनी बहुत जरूरी है। सतगुरु कृपा करन साढ़े सिर उत्ते भी अपनी कृपा भरी मेहर की छड़ी रख के साढ़े ते भी कृपा करन, सानू भी सुमत बुद्ध बख्शिश करन, गुरमत की सोझी बख्शिश करन। सतगुरु जी का कोटान कोट शुकराना है जिन्हां दी कृपा सदका आप संगत के दर्शन करन दा सुभाग समा प्राप्त होया। प्रबंधक साहिबाना वल्लों दिता होया समा समाप्त है। साउंड वाले वीर दा धन्नवाद, मीडिया वाले वीरां दा धन्नवाद और सन्मान योग स्टेज सैकटरी साहब जी का बहुत बहुत धन्नवाद। आप सब संगत का बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु जी कृपा करन साडी सारियां दी हाजरी अपने पावन चरनां दे विच प्रवान करन। कल नूं इसे अस्थान ते गुरमुखो गुरमुख प्यारे दस रहे सन कि खंडे बाटे का अमृत तैयार होना है। अपने मन बना के सवेरे 10 बजे गुरमुखो खंडे बाटे की पाहुल छकीए, क्योंकि स्वासां का कोई भरोसा नहीं। और सिक्खी की सब तो पहली रहत ही यह है कि सिख खंडे बाटे का अमृत छके। प्रथम रहत यह जान खंडे की पाहुल छकै, सोई सिंह प्रधान अबर न पाहुल जो लै। बिना समा विहाए सवेरे गुरमुखो सन के सी इशनान करके तैयार हो के ते पंज प्यारे साहिबान दे सन्मुख हाज़र हो के गुरु कृपा दे नाल खंडे बाटे दी पाहुल छक के गुरु वाले बन के गुरु की खुशियां प्राप्त करके गुरु गुरु करदियां होया अपने जीवन नूं सफला करिए। और कल नूं ही इसे पावन स्थान तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी वल्लों धर्म प्रचार लहर आरंभ की जा रही है, जो कि पहला तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो तो आरंभ हो चुकी है और 31 जुलाई को तख्त श्री केसगढ़ साहब जी तो आरंभ की जा रही है। और कल नूं मानयोग प्रधान साहब जी सरदार कृपाल सिंह जी बडूंगर प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो इस पावन अस्थान तो इस पावन दिहाड़े ते पावन पुरब ते धर्म प्रचार लहर की प्रारंभता कर रहे ने। उस धर्म प्रचार लहर का हिस्सा बन के धर्म के प्रचार विच वध तों वध आपां सारे सहयोग करिए। सतगुरु जी कृपा करन। भुल चुक दी मुआफी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।